छिपाबड़ा थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में गत 5 वर्षों से जंजीरों में जकड़े हुए 12 वर्षीय करण मीणा के मामले को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रसंज्ञान लेने के बाद जहां अधिकारियों में बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं आज बारा चाइल्ड लाइन की टीम ने मानसिक रोगी बालक के गांव पहुंच उसके परिजनों से वार्ता कर जंजीरों से जकड़े 12 वर्षीय करण मीणा को मेडिकल टीम ने मुक्त कराकर उपचार के लिए अपनी कस्टडी में ले लिया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी के व्यास ने उक्त मामले में तुरंत प्रसंज्ञान लेते हुए इसे घोर अमानवीय कृत्य की श्रेणी में माना है। तो वहीं दूसरी ओर घटनाक्रम को लेकर पीड़ित करण के पिता व परिजनों ने बताया कि उन्होंने बालक के उपचार के लिए कई चिकित्सकों को दिखाया, किंतु बालक का पूर्ण रूप से उपचार नहीं हुआ। ऐसे में परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इलाज भी लेकर ले गया था बच्चों को, पर उसका गोड़िया मोड़िया दी थी, बच्चों को डांग करने से कोई आराम निकले से आराम मिला है? कोई नहीं आराम मिला। कब से बीमार है बच्चा? ये तो ठेठ से ही ना, ठेठ से ही बच्चों तो जंजीरों में कब से बांध कर रखा हुआ है? 5 साल हो गए इसको। कोई सरकारी सहायता मिली आप? कुछ भी नहीं मिली अभी तक, कुछ नहीं मिला। ये मतलब हमारे पास पैसा है ना इलाज का, जब जाल ले जाना सके तो। ये तो आज आपकी गाड़ी आई गवर्नमेंट की, जिससे हमारे 12 तक जा रहा, चाहे हमारे पास पैसा है कोई नहीं बिल्कुल। हमारे पास बालक करण सिंह के लिए शिकायत आई थी, उसके संदर्भ में हमारे सर ने, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सर ने हमें ग्राम मोतीपुरा भेजा। हमने यहाँ आकर देखा कि बालक करण सिंह के साथ 2 अन्य बालक, 1-2 बालिकाएँ और हैं, उनको यहाँ से अनाथाशाली ले जाया जा रहा है। अनाथाशाली से उनको 12 के लिए रेफर किया जाएगा। 12 में गाइडलाइन के द्वारा जो उनकी सहायता की जाएगी, उसके लिए हम तैयार हैं। वहाँ पर जो भी उनको लाभ मिल पाएगा गाइडलाइन के थ्रू, हम उनको वहाँ से दिलवाएंगे। आज सुबह हमको हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा ज्ञात हुआ कि मोतीपुरा में एक मंदबुद्धि बच्चा है जो कि जंजीरों में बंधा हुआ है। तो हम यहाँ पे टीम के साथ देखने आए और देखने पता चला, पूरी जानकारी देने के बाद पता चला कि बच्चा सही में थोड़ा मंदबुद्धि है, मेंटली टारगेट है। और उसकी फैमिली हिस्ट्री से पता चला कि उसकी जो बहन है, बड़ी बहन, वो भी थोड़ी मेंटली टारगेट है। तो दोनों बच्चों को लेके जा रहे थे और गांव में एक बच्चा और एक महिला और हमको मंदबुद्धि मिले, हमको हम यहाँ से 12 सरकारी जिला अस्पताल में उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त निर्देश अनुसार रेफर कर रहे हैं।